हाय बच्चों, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल माथा क्लास। तो बच्चों, आप लोगों ने बहुत बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर बोर्ड टेंथ में कितना परसेंट में पासिंग मार्क्स है। तो मैं इस वीडियो में बच्चों पूरा आपको बता रहा हूँ कि जो सीबीएसई का गाइडलाइन है 2024 में क्लास टेंथ के लिए कि कितना परसेंट में पासिंग है, आपको पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, तो समझ के देखना बच्चों, पास करना बहुत ही आसान है आप लोग के लिए क्लास टेंथ के लिए। ठीक है, तो बच्चों देखो इस वीडियो, चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट। तो बच्चों जो टेंथ का गाइडलाइन है ना बच्चों, देखो आपको लाना है 33%। ठीक है, यानी बच्चों आपको क्या करना है कि 100 में मात्र आपको 33 मार्क्स लाना है पास करने के लिए। ठीक है, तो यह बहुत ही आसान काम है बच्चों, 33 लेना कोई भारी काम नहीं है आपके लिए 2024 में। ठीक है, तो बच्चों देखोगे कैसे लाओगे आप। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो मार्कशीट होता है ना, क्लास टेंथ आप सीबीएसई में हो तो देखो, साइंस में सब्जेक्ट कोड है 016 और साइंस। ठीक है, तो बच्चों ये थ्योरी थ्योरी जो आप देते हो ना बच्चों, ये जो आपका हो रहा है बच्चों, देखो यार 80 मार्क्स का है आपका थ्योरी। ठीक है, 80 मार्क्स का थ्योरी हो रहा है, यानी जो आप एग्जाम अभी दे रहे हो 20 ये बच्चों इंटरनल है। ठीक है, तो बच्चों देखो 20 जो इंटरनल है ना, इसमें मैक्सिमम आपको क्या है बच्चों, ये 20 में 20 मिल जाता है। ठीक है, अब बोलोगे सर हमको मिलेगा कि नहीं, तो बच्चों देखो क्लास में जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, जनरली उनको 20 मिलता ही। और जो सबसे आप देखते हैं खराब नंबर लाने वाला क्लास में, जो आपके यहाँ यूनिट टेस्ट हुआ या आपका जो हुआ टर्मिनल एग्जाम्स होता है स्कूल में, उसमें आप काफ़ी खराब कर रहे हो, पास भी नहीं कर रहे हो, बहुत मुश्किल से घींच फिर के पासिंग के आसपास ला रहे हो। ठीक है, तो बच्चों या आपको क्या है, टीचर के सामने आपका इमेज खराब है, क्लास में बदमाशी करते हो ना, सब तरह से आप बदमाश बच्चे हैं। ठीक है, तो वैसे बच्चों को क्या है बच्चों, देखो क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा ना, 18 से नीचे आपको नहीं मिलेगा, आप यदि कितना भी खराब स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या है देखो, आपको ये जैसे 18 मिल गया, ठीक है, यहाँ भी आपको 18 मिल गया, साइंस में आप सबसे खराब स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो 18 मिल गया, अब आपको इसको क्या करना है बच्चों, 33 लाना है। ठीक है, 18 आपको इंटरनल में मिल गया, तो आपको यहाँ क्या पास करने के लिए क्या चाहिए, टोटल आपको 33 चाहिए, आपको स्कूल इंटरनल 18 आपको प्रोवाइड 20 में दे चुका है। अब बच्चों देखो, तो आपको 15 लाने से आप पास कर जाते हैं। ठीक है, यदि आप यहाँ 15 लाते हैं बच्चों, तो आप क्या है आराम से पासिंग मार्क्स। तो थ्योरी में बच्चों क्या है, आपको ज़्यादा नहीं लाना, आपको पास करने के लिए 15 यदि आप ले आते हैं किसी तरह से। ठीक है, अब बच्चों देखो 15 कैसे आएगा। ठीक है, आप कोई सब्जेक्ट है बच्चों एकदम ख़त्म आप हैं नहीं, कुछ भी पढ़े होंगे। ठीक है, अब बच्चों जैसे साइंस में है जितना चैप्टर है, यदि आप रीडिंग पढ़ के भी जाओगे, ठीक है, 20 मार्क्स जैसे बच्चों क्या है आपको देखते हैं 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो बच्चों आप ऑब्जेक्टिव है तो ये ऑब्जेक्टिव को भी आप थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हो ना, तो कम से कम 10 सही यदि हो जाता है आपका, सही हो गया था तो 10 मार्क्स आ गया। आप थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ डिफिनेशन पढ़े हैं, ठीक है, तो आराम से 8-10 नंबर ला सकते हैं। तो वहाँ से आप 8-10 नंबर किसी तरह ले आए, ठीक है, 10, तो आपको 20 आ गया, तो आराम से आप पास हो जाते हैं। तो आपको थ्योरी में क्या करना है बच्चों, 15 लाना है, बोर्ड का यही गाइडलाइन है 2024 का। ठीक है, अच्छे बच्चे हैं तो आपको यहाँ देखो 20 मिल ही जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ जितना ज़्यादा लागो उतना आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करना, और इसके बाद वाला वीडियो में बताएंगे बच्चों कि बोर्ड में सीबीएसई में टेंथ की जो कॉपी चेक होती है कैसे होती है, और वो मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैंने कॉपी चेक कर चुका हूं, तो वो एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। थैंक यू।